आज हम आए हैं जी अशोक एंड अशोक, और मैं आपको इनके ओनर से एक दो बातें हम इनसे पूछते हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शैली भाटिया है। शैली जी, शैली जी आप ये जो चिकन है, इतना स्वाद चिकन जो हमने ट्राई किया, आप इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? ये चिकन करी है एग्जैक्टली या चिकन कोरमा है, या आप इसको रारा चिकन कहेंगे? सर ये तीनों चीज किसी कैटेगरी में नहीं आता, ये कस्टमर बताएंगे किस कैटेगरी में आएगा ये। लेकिन ये किसी कैटेगरी में तो शैली जी आता होगा। ये मेन इसकी ग्रेवी है जो कीमे वाली होती है, इसको करी में नहीं ले सकते आप। अच्छा, हम इसको करी भी नहीं कह सकते और इसको एग्जैक्टली रारा चिकन भी नहीं कह सकते और कोरमा भी नहीं कह सकते, डिफरेंट चीज है। तो कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए आज इसके। आप सजेस्ट कीजिए क्या नाम है। ये तो आपने बहुत मुश्किल कर दी हमारे लिए। एनीवे आपकी चीज ट्राई करके अभी हम देखते हैं और फिर अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हमें कैसा लगा। और वैसे तो आपकी चीज को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और इन्होंने बहुत ही प्यारी सी सिगड़ी के ऊपर इसको रखा हुआ है, एंड दिस इज हाउ दे मेक इट फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे कितना अच्छा रोगन आया हुआ ऊपर, और ये सिगड़ी के ऊपर उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये देखिए ऐसे इसको मिक्स करके देते हैं। ये भैया कितनी प्लेट है? ये हाफ है। अच्छा ये हाफ है, ये चार पीस, हाफ हाफ प्लेट। ये लो जी, ये आ गई हमारी बहुत ही बढ़िया चिकन बिरयानी। इस चिकन बिरयानी का मतलब आप रंग देखो, कलर देखो, बिल्कुल ही डिफरेंट है एकदम। ये जी मिक्सिंग करते हुए ये इन्होंने यही चिकन जो देते हैं, इसी चिकन की ग्रेवी इस बिरयानी के अंदर मिला के इसको बहुत ही अच्छा और एक जूसी सा फ्लेवर दिया है इन लोगों ने, और बहुत ही ज़्यादा स्वाद लग रही है और टेम्पटिंग लग रही है। तो अब इसको बस वेट नहीं हो रहा, और खा के आपको बताते हैं हमारे को कैसा लगा। ठीक है जी, आज हम आए हैं अशोक एंड अशोक, जो कि पंडित मुन्ना लाल शर्मा मार्ग पे है, सदर बाजार में दिल्ली के अंदर। और इनकी जगह को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह है। और काफ़ी टाइम से मैं आपके सामने ये चीज़ लेकर आने वाला था, इनकी चिकन करी, जिसको ये चिकन करी ही कहते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनकी करी के अंदर बहुत ही आप देख सकते हैं कि ये कीमे वाला है, इसके अंदर इन्होंने चिकन का ही कीमा इस्तेमाल किया हुआ है, और ये हाफ प्लेट हमने मंगवाई है। और ये है इनकी चिकन बिरयानी, जो कि अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये हमें कैसी लगी। आज तो यहाँ पे आने का बड़ा फ़ायदा हो गया, हमारा एक तो प्रोग्राम था यहाँ आने का, और ऊपर से आज की बारिश हो जो सुबह आ गई, आज मौसम एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मौसम कर दिया। तो अब जो खाने का मज़ा है ना, उसका और भी आने वाला है, क्योंकि दिल्ली का मौसम और बढ़िया हो जाए तो उसका बात ही अलग है। पर एक मेरे को बात आपसे पूछनी है, ये मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, ये चिकन करी की हिस्ट्री कहाँ से है? जैसे चलो बटर चिकन हमने सुना है कि यहाँ डेवलप हुआ, ऐसे बना, लेकिन चिकन करी कहाँ से आया ये? ऑफ कोर्स देयर इज अ हिस्ट्री टू चिकन करी आल्सो। आप ये कह सकते हैं कि जो चिकन करी है ये बटर चिकन का बड़ा भाई है। और आपको मैं ये बता दूँ कि ये जितनी आम है चिकन करी, उतनी आम है नहीं, इट्स अ वेरी स्पेशल डिश। और इसकी जो शुरुआत है वो 1800s की है, That old. काफ़ी पुरानी है, और बटर चिकन से तो बहुत पुरानी है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि इसकी रूट्स जो है वो साउथ अमेरिका में भी पाई जाती है, जहां पर इसका नाम जो है वो कंट्री कैप्टन चिकन। रियली? यस। क्या बात है। यस, एंड इट वाज इंक्लूडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री इन ऑनर ऑफ देयर वेरी फेवरेट जनरल। और इनकी जो ये जो मील है यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री के अंदर इंक्लूड हुआ था एज पैकेज मील। और मतलब जो स्वाद है वो 18वीं सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है। भी जो इसके रूट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही हैं, लेकिन ये अमेरिका के अंदर तक मशहूर है वहाँ पे। क्या बात है। और जो हमारे बहुत ही एक मशहूर शेफ हैं मिस्टर साइरस स्टोरी वाला, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ टू की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अंदर भी इसको अपना वर्जन उन्होंने बनाकर दिया था, और उनको भी सर्व की गई थी। तो आज के बाद अगर आप चिकन करी खाए तो इसको आम ना समझे, ये हिस्ट्री विद अ ब्यूटीफुल टेस्ट, विद अ ब्यूटीफुल टेस्ट, एंड ऑल्सो इट बिलोंग्स टू द रॉयल किचन ऑल्सो। तो ये जो है क्वीन एलिजाबेथ टू को भी ये सर्व हो चुकी हुई है, दो द रूट्स आर इन इंडिया, लेकिन इसके बहुत सारे वर्जन हैं। तो आज इनका वर्जन हम ट्राई करके देखते हैं कि इन्होंने कैसी बनाई। तो बस बस अब बहुत हो गया, बस अब हिस्ट्री भी हो गई, अब मेरे को खाना खाना है, मेरे को देखते ही भूख लग रही है, अब मेरे को खाना ही है। लेट्स स्टार्ट। हां, वेरी गुड,
वेरी डिफरेंट नहीं मिलेगी। यहाँ आओगे तभी खा पाओगे इसको, ये स्वाद नहीं मिलेगा आपको भाई। मतलब हम चिकन लवर्स हैं, चिकन ही खाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ये वो स्वाद है जो याद रहेगा कि कुछ डिफरेंट खाया था। रियली डिफरेंट, आप इसको किसी भी चीज के साथ मैच नहीं कर सकते। शैली जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये चीज बड़ी डिफरेंट है। दो इट इज चिकन करी, बट इट इज बिटवीन चिकन करी, रारा चिकन एंड कोरमा। तो ये वर्जन जो है ये इन्हीं की स्पेशलिटी है। ये आपको अभी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि आप यहाँ पर आए, इसको गरम गरम ट्राई करें, रियली गोइंग टू लाइक इट। और एक बात और, ये सिर्फ यहीं मिलेगी तो यहीं आना पड़ेगा। तो इट इज वेरी डिफरेंट, जुबान को इसका टेस्ट नहीं भूलेगा, ये बहुत ही ज्यादा स्वाद है। चलो जी, अब तो हमने ये ट्राई करके बता ही दिया कि ये तो मैग्निफिसेंटली टेस्टी है। तो अब इसकी बिरयानी भी जरा ट्राई करके देखते हैं कि बिरयानी कैसी है। तो पहले बिरयानी खाते हैं, फिर इसकी ग्रेवी लगा के खाते हैं। जैसा कि मैंने देखते ही बोला था, जूसी, ये बहुत जूसी लग रही है और ये है भी बहुत जूसी खाने के अंदर। मगर मैं इसको चिकन बिरयानी एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, मेरे लिए ज्यादातर चिकन पुलाव है। एब्सोल्युटली, मगर यहाँ पर ये इसको चिकन बिरयानी ही कहते हैं। ये बहुत स्वाद है, लेकिन दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। इसको इसका लगा के खा के देखें तो क्या टेस्ट में कुछ फर्क आता है क्या? सी, फूड इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस, और उसको हर कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई जरूर करना चाहिए, जाने कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठे। ज्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि इसकी ग्रेवी के अंदर आई थिंक ऑलरेडी जो इन्होंने ग्रेवी मिलाई है वो इसी की ग्रेवी मिला इसी ग्रेवी है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, वो ऑलरेडी मिली हुई है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो गया क्योंकि ग्रेवी एक्स्ट्रा आ गई, पर स्वाद में इट इज वेरी गुड। जब आप इसकी ग्रेवी को इसके अंदर मिलाते हैं जो कि ऑलरेडी मिली हुई है, तो इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा फ्लेवर और बड़ा ही जबरदस्त ये फिनोमिनल टेस्ट बन जाता है इसके साथ। तो बिरयानी जो है इसके अंदर थोड़ी सी इसकी और ग्रेवी मिलाकर खाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे ही ये वाली जो बिरयानी है या जो चिकन पुलाव है, ये वैसी बहुत फ्लेवरफुल है, बट दिस इज वेरी फिनोमिनल। तो हमने आपको बता ही दिया, अब आपको आना है, ट्राई करना है और हमेशा की तरह कमेंट्स करके हमारे को बताना है कि आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा, और आई होप आपको भी उतना ही मजा आएगा और ये टेस्ट का जुबान आपकी टेस्ट से जुबान से भी नहीं जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई आइटम के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।